व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम कर रहे थे बोल्ट, तो मैंने कहा चलो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल है रिगार्डिंग ड्राइविंग, तो मैंने कहा इसके रिगार्डिंग थोड़े थोड़े सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। और इसका थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो एक महीने का है ऑलमोस्ट ड्राइविंग का, एक महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया अब, तो वो आपसे शेयर करते हैं और बताते हैं कि इसमें जब आप ड्राइविंग सीखोगे या ड्राइविंग सीखने वाले हो या ड्राइविंग सीख के आ रहे हो तो इंडिया से और यहाँ के ड्राइविंग करने में कितना फ़र्क है। चलो बेस्ट आज वीडियो, आई एम श्योर ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी वैल्यू ऐड करने वाला है वीडियो, तो आखिरी तक देख लेना। लेट्स बिगिन। व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक। तो भाई ये देखो, पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप सभी को आने वाली है वो आने वाली है, अगर आपको ड्राइविंग आती है ऑलरेडी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि यहाँ जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट व्हील ड्राइव है, राइट लेफ्ट ही हो रहा है, हाँ लेफ्ट व्हील ड्राइव है। तो भाई लेफ्ट व्हील ड्राइव में आपको दिक्कत ये आने वाली है क्योंकि आप अब इस तरफ बैठोगे तो आपको उस तरफ देखना पड़ेगा और हर जगह हम कीप लेफ्ट करते हैं, मतलब कि हमें लेफ्ट लेन गाड़ी चलाते हैं, पर यहाँ आप आके राइट लेन चलाने वाले हैं गाड़ी, मतलब कि राइट तरफ आप गाड़ी चलाओगे तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आप बार बार गाड़ी उल्टी डाल दोगे, मतलब कि लेफ्ट लेन में डाल दोगे, कहीं भी टर्न लोगे तो लेफ्ट लेन में डालोगे, जो मेरे साथ बहुत हुआ है और उसमें बहुत सारे पंगे भी हो जाते हैं क्योंकि कई बार सामने गाड़ी खड़ी होती है और आप सामने जाके लगा दोगे उसके और वो भी एस्टोनिश हो रहा होगा कि क्या मसला हो गया भाई, ये कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप ऐसे कर लेते हो ना गलती से, इनसे भी गलतियाँ होती हैं, स्पेशली रशियंस तो काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं जो मैंने रियलाइज़ किया ये मुझे, अब मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकता रात में रशियन जो भी हो, पर यहाँ के लोग भी काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, तो जब ये लोग गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप करते हो तो बहुत जल्दी घूर के देखते हैं आपको एकदम ऐसे दिखाने के लिए कि भाई तुम्हें गाड़ी नहीं आती, तुम यहाँ क्यों चला रहे हो यूरोप में गाड़ी, तो ये होने वाला है, राइट। चलो ये तो पहला एक्सपीरियंस, दूसरा पहला एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ हुआ है वो हुआ है। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अब, कि जब भी आप गलत टर्न लोगे या कुछ गलतियाँ करोगे ड्राइव करते वक्त तो लोग आपको हॉर्न मार देंगे फटाफट, बहुत जल्दी से हॉर्न मारना यहाँ बड़ा डेरोगेटरी से माना जाता है कि आपको गाड़ी नहीं आती या आप गाड़ी गलत चला रहे हो, और कई बार अगर आप गलती से हॉर्न मार दिया आपने तो ऐसा माना जाएगा कि भैया तुमने किसी को गाली दे दी, तो हॉर्न मत मारना दोस्त। और हॉर्न मारने की हमें बहुत ज़्यादा आदत है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत है क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि बिना हॉर्न की गाड़ी चलाई नहीं जा सकती, कैसे चला रहे हो तुम, तो ये प्रॉब्लम है। और आप हॉर्न मारोगे ये गलती होगी तो भाई पहले तो हाथ हटा देना हॉर्न से अपना और फिर गाड़ी चलाना। और दूसरी बात ये कि जब ये हॉर्न तुम्हें ज़रूर देंगे, जब भी तुम थोड़ा सा भी गलत टर्न लोगे, थोड़ा सा भी डगमगाओगे लेन में, तो ये पंगा होने वाला है, तैयार रहो। चलो भाई तीसरी बात ये है कि आपको यहाँ लेन ड्राइव करनी होती है। लेन ड्राइविंग वैसे इंडिया में भी है, हम लोग सबको अपनी अपनी लेन में चलना होता है, पर बहुत ज़्यादा फॉलो हम करते नहीं, यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ लेन ड्राइविंग इतनी ज़्यादा है और लेन से मतलब कि अगर आप अपनी लेन में चल रहे हो तो दूसरी लेन में आप नहीं चलोगे, अगर चलोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, मतलब ऐसे डिंग डोंग नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते आप अपनी लेन। अगर आप लेन चेंज कर रहे हो तो आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा, सेम लेन में आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा, मतलब सेम रोड पे आपको इंडिकेटर दो, हल्का सा लेन चेंज करो फिर इंडिकेटर बंद करो, फिर इस लेन में आओगे तो हल्का सा इंडिकेटर दो, उस लेन में जाओ फिर बंद करो। इंडिकेटर आपको हाथ पे रखना है, ऑन योर उंगलीज, मतलब कैसे कहेंगे ऑन योर, मतलब ऑन योर फिंगर्स, तो इंडिकेटर पे तो एक उंगली होनी चाहिए भाई लगातार कि आप इंडिकेटर दो, हल्का सा दूसरी लेन में आओ, इंडिकेटर दो इस लेन में आओ, क्योंकि लेन्स के साथ ही आप लेफ्ट और राइट जा सकते हो। अगर आपको राइट कुछ रोड पे सिग्नल होंगे, सिंबल होंगे जहाँ से आप सिर्फ राइट जा सकते हो, कुछ उसी रोड पे दूसरी लेन में सिंबल होंगे जहाँ से आप सिर्फ लेफ्ट जा सकते हो, इसी एक ही रोड से आप राइट लेन वाली से लेफ्ट नहीं जा सकते, राइट लेफ्ट लेन वाली से राइट नहीं जा सकते, तो उसमें रोड पे जो है जो सिंबल बना होता है, रोड पे भी सिंबल बना होता है, ऊपर छोटे छोटे बोर्ड्स भी लगे होते हैं, वो इजी है वैसे, पर एक बार आपको पता चल गया यहाँ आ गए आप, एक बार पता चल गया आपको तो आसान है, पर ऐसे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो आप जो लेन है अपनी लेन में रहना है आपको, आपको हमेशा ये देखना है कि कौन सी आपको राइट लेना है तो आपको राइट वाली लेन में जाना चाहिए और वो चलाते चलाते आएगा दोस्त। और दूसरी बात है थोड़े से जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी पढ़ लेना पहले आने के बाद या आने से पहले, तो आपको आपकी ड्राइविंग थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। एक और ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, वो ये मैं गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको कि भाई जो गियर है वो इस तरफ है
राइट। अब आपको क्या है कि मैं तो जब चलाता था तो इधर गियर इस तरफ होता था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड गियर की मुझे बहुत आदत है और मैं लेफ्ट हैंड साइड ही गियर ढूंढता रहता स्टार्टिंग में। बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में गियर ढूंढा पर मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तो राइट हैंड साइड पर ढूंढना पड़ेगा आपको बार बार, और इसमें आपकी बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात, गियर पैटर्न भी चेंज है, यहाँ का गियर सिस्टम चेंज है। अब मुझे पता नहीं हर गाड़ी का अलग होगा, पर मेरी कार का जो रिवर्स है वो फर्स्ट की तरह डलता है, जैसे इंडिया में फर्स्ट गियर डलता है आगे, वैसा रिवर्स गियर डलता है, तो ये बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आपको यहाँ गियर जो भी आप कार लोगे उसका गियर पैटर्न आपको पहले उसको आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे गियर ढूंढोगे हमेशा, पर वो आदत होगी धीरे धीरे राइट हैंड साइड पे गियर की। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल का जवाब देते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई इंडियन गाड़ी, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या आप कार चला सकते हो? बिल्कुल चला सकते हो, पर सिर्फ 6 महीने के लिए। जब भी आप आए हो लातविया में, 6 महीने के लिए आपका इंडियन लाइसेंस वैलिड है, पर उसके बाद आपको यहाँ का यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्टेन करना ही पड़ता है, आप जब भी आओगे उसके 6 महीने के। राइट, कार लेने से नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी लेट लिया है, मैंने काफ़ी लेट कार ली है, पर आप जब आओगे तब उसके 6 महीने बाद आपको इंडियन 6 महीने बाद क्या मतलब 6 महीने तक बाद 6 महीने तक आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा, जिसका एक प्रोसीजर है वो हम किसी दौर और कवर करेंगे किसी और वीडियो में। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्टेन के लिए डाल दें, इनिशिएट कर दें। राइट, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपको वैसे यहाँ कोई चेकिंग एस सच बहुत ज़्यादा होती नहीं है एक्सटेंसिवली कि वहीं कोने कोने में नाके पे पुलिस वाले खड़े होंगे और आपको पकड़ेंगे और चेक करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ। बट अगर आप किसी गलत टर्न में ले लिया, आपने कहीं गलत जगह चले गए और पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो सबसे पहले वो आपसे मांगने वाले आपका लाइसेंस, जो आपके पास होगा नहीं। और इंडियन लाइसेंस अगर आपके पास है तो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड, 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं है, उस पर वो आपको फाइन ठोक सकते हैं दोस्त। कंक्लूड करने के लिए मैं आपको ये बोलूँ कि भाई जब भी आप आ रहे हो, अगर आपका प्लान है यहाँ पढ़ने के लिए और आपका प्लान है कि आप यहाँ बोल्ट फूड डिलीवरी करके पैसे कमाने वाले हो, तो ड्राइविंग सीख के आना पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कार से ड्राइव कार से करना है, अदरवाइज साइकिल से भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कार से आपको ये होता है थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो जाता है, पर उससे आपको पेट्रोल भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है वैसे दोस्त। राइट, पर अगर जब भी आप आ रहे हो, अगर कार से आए तो कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, अगर कार से करोगे, और उसके लिए आपको कार ड्राइविंग आनी चाहिए, कार सीख के आना और लाइसेंस ऑप्टेन करके आना, अगर आपको आपका ये प्लान है कि कार से डिलीवरी करोगे तो। राइट, तो गाइज दैट वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन लातविया। थोड़े से मैं और इसके वीडियोज़ बनाऊंगा, एक और दो और, जिससे कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाए कार ड्राइविंग का और बहुत सारी चीज़ों का जो आपको नहीं पता, या जो आपके सवाल होंगे, आप सवाल ऐसे पूछते रहिए। बहुत सारे लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं कमेंट सेक्शन में, पर एक वीडियो बना देता हूं जब आखिरी में, तो आपके सारे सवालों के इकट्ठे जवाब मिल जाएंगे उसमें। राइट, जैसे कि ये बनाया है। राइट, तो ऐसे कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछते रहें और मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में फिर और जवाब के साथ। चलो मिलते हैं, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।